जय गुरु जी, थैंक यू सो मच अंकल। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारे संगत को बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स। ये पूरे सावन का महीना और ये आज मंडे सावन का जो स्पेशल होता है, वैसे तो हर दिन गुरु जी के नाम है, पर सोमवार को अक्सर गुरु जी पुरानी संगत को मालूम होगा कभी कभी कहते थे जाके मंदिर के दर्शन करके आओ एम्पायर स्टेट में, जबकि गुरु जी मतलब बड़े मंदिर के, जबकि गुरु जी एम्पायर स्टेट में ही रहते थे। तो ये मंदिर का सिग्निफिकेंस तो उस समय से ही मैंने देखा है, गुरु जी जब थे बॉडी फॉर्म में उस समय ही गुरु जी काफी उस दिन का बताते थे। तो आज का दिन बहुत ही पावन पवित्र है, सावन का सोमवार, और इतना सुंदर लगा अभी संजय अंकल का सत्संग सुन करके। गुरु जी को कार में ले जाना, मतलब आप ये समझिए आप भगवान को ले जा रहे हैं, तो बहुत ही लकी है संजय अंकल, और बहुत ही सुंदर लगा सुनने में। थैंक यू सो मच अंकल फॉर शेयरिंग। और यही कहते हुए आज सुबह जब मेरे पास फोन आया तो किसी को कुछ नहीं मालूम था, आज सावन का सोमवार है और आज मेरा जन्मदिन भी है, और मैं गुरु जी को कल से इतना याद कर रही थी क्योंकि एक बार एम्पायर स्टेट में हम बैठे हुए थे और मुझे याद है प्रेम सिंह अंकल जो सिंगापुर के एम्बेसडर थे, हमारे फैमिली फ्रेंड थे, तो वो उनको मालूम था मेरा जन्मदिन है, और वो जाकर के गुरुजी से कहते हैं गुरुजी आज शांति का जन्मदिन है। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देख के कहा मैंने पता है, गुरुजी को सारी चीजें पता रहती थी क्योंकि गुरुजी तो हमारे भाग लेखा थे, उन्हीं के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है और उन्हीं की वजह से हम सांस लेते हैं। वो तो इस जगत के रचिता है, वो इस जगत के सृष्टा है, वो महादेव है, उनसे उनके ऊपर कोई भी नहीं है। तो उनको तो हमारे बारे में, हर एक संगत के बारे में एक एक चीज मालूम है, हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, यहां तक हमारे अपने थॉट्स जो हम कभी किसी को नहीं बताते हैं वो तो गुरु जी तक ट्रांसमिट हो जाते थे। तो ये अभी क्या है, देखिए गुरु जी अब चोले में नहीं है, पर फिर भी कल शाम से मैं बैठी हुई थी गुरु जी के सामने दिए जला करके और बहुत ही मन ही मन गुरु जी से को बस थैंक्स कर रही थी, और कुछ भी नहीं निकलता है मुंह से क्योंकि थैंक्स फॉर दिस लाइफ, थैंक्स फॉर दिस हेल्दी बॉडी, थैंक्स फॉर लेटिंग अस डू अ लिटिल बिट गुणगान अबाउट यू। गुरु जी आपका तो गुणगान कोई भी नहीं कर सकता है, जो व्हाट यू आर गुरु जी, आपको हम किस शब्दों में आपका बखान कर सकते हैं, या किन शब्दों में वो ताकत ही नहीं है, वो गरिमा नहीं हो सकती है। वी कैनॉट डू जस्टिस विद आवर वर्ड्स, आपके बारे में तो इम्पॉसिबल है, पर आप जब ये मौका देते हैं गुरु जी आपकी उस्ता करने का, तो वो सबसे हमारा पवित्र सौभाग्य वाला दिन होता है, वो क्षण जो होते हैं वो सबसे पवित्र होते हैं, और वो वाणी मेरी पवित्र हो गई आज मेरे जन्मदिन के दिन। गुरु जी आई एम सो सो हैप्पी, आई एम रियली, जब आज फोन आए कुणाल का और उन्होंने कहा आंटी आज आप शेयर करेंगे, आई जस्ट कुडंट बिलीव इट गुरु जी। तो हर कुछ उस समय भी गुरु जी को मालूम था जब वो चोले में थे, जब जिस दिन प्रेम सिंह अंकल ने गुरु जी को कहा कि आज उषा अंकित का जन्मदिन है, गुरु जी ने राइट अवे उनको फोन भी कहा कि मैंने पता है, he knew at that time, he knows even now when he is not in body। हम सब सोचते हैं, कई नई संगत सोचे कि गुरु जी नहीं है, पर गुरु जी इज ऑलवेज देयर, वो अभी भी है। ये क्या प्रूव कर रहा है कि गुरु जी किस तरह से, जो जो मैं बातें कर रही थी कल रात में गुरु जी को, इतना थैंक्स कर रही थी, तो गुरु जी ने मेरे से कहा कि तू ये प्लेटफॉर्म में आके मुझे सबके सामने थैंक्स कर। मन ही मन वहां पर बैठ के मैं गुरु जी को सुना रही थी, ये है गुरु जी, गुरु जी इज ऑलवेज देयर। आप ही मान के चलिए कि आप जब जब गुरु जी के
स्वरूप के आगे अरदास करते हैं, जो अपने मन की बात करते हैं वो 100% गुरु जी सुनते हैं, और टाइमिंग वो डिसाइड करते हैं कब पूरी होनी है, क्या करनी है, क्योंकि उस पर हमारा जोर नहीं है। दैट इज ओनली गुरु जी हैंड, वी कैन ओनली डू आवर पार्ट एंड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो यही कहते हुए मैं गुरु जी की पुस्तक कोशिश करूंगी। मैं हमेशा जब सत्संग कर लेती हूँ हमेशा सोचती हूँ कि गुरु जी आई एम सॉरी, मैं पूरी जस्टिस नहीं कर पाई आपकी का जो आपने जो दिया है ना लाइफ में, मैं महसूस कर सकती हूँ उसको, मैं शब्दों में या वर्ड्स में किस तरह से पिरोऊं कि आपकी वो सुगंध, आपकी वो ब्यूटीफुल जो जर्नी है वो मैं लोगों के हृदय तक किस प्रकार से ले जाऊं। वो शब्द गुरु जी आप ही दे सकते हैं, किसी और के हम सब के बस में नहीं है। ये हम सब तो कुछ इंसान ही है जो हर विकारों से भरे हैं और अपनी ईगो से भरे हैं, अपनी तरह तरह की बस में भरे हुए हैं। वो गुरु जी हमें आकर के संभाल सकते हैं और हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो यही कहते हुए मैं सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु जी थैंक यू सो मच। सबसे पहला थैंक्स है आप, मुझे पता ही नहीं था आप यूं ही एक दिन मिल जाएंगे, राहों में फूल ही फूल खिल जाएंगे। मुझे मालूम न था गुरु जी आप किस तरह से हमारी चलते चलते हमारी राहों पर किस तरह से आपने अपने दरबार में बुलाया, हमारी बाहें पकड़ी, हमें सही रास्ता दिखाया, हमारा जीवन सवारा, हमारे प्रभु के दर्शन कराए, अनुभूतियां दी कि आप हैं कौन, महादेव से मिलाया, अपने अपने असल स्वरूप का दर्शन दिया और इतना बेइंतहा प्यार दिया गुरु जी, उसके लिए धन्यवाद। ये जीवन मुझे लगता है कि ये सफल हो गया, मेरा तो ये जीवन इस जीवन में आना सफल हो गया, क्योंकि इस जीवन में आए हुए मुझे जितने भी वर्ष हुए हैं वो सब निरर्थक थे, खाली गुरु जी के साथ सानिध्य में जो बिताए हैं या जो अभी बीत रहे हैं वही है असली पल। और अब ये जीवन चाहे रहे ना रहे, मुझे लगता है मेरा संपूर्ण जो एक गोल होता आत्मा का कि परमात्मा से जुड़ना, उनका सानिध्य पाना, वो इस जन्म में मुझे लगता है कि गुरु जी के द्वारा, गुरु जी के दर्शन के द्वारा या गुरु जी की अनुभूति के द्वारा वो पूरा हो गया। कितने लोगों को गुरु जी के दर्शन, महादेव के दर्शन होते हैं इस जन्म में, बिलियन सब लोग हैं इस दुनिया में, हम सब बहुत लकी हैं, सारी संगत लकी है, आप सब लकी हैं, हम सारे एक साथ जो टाइम निकाल करके ये गुरु जी की महिमा सुनते हैं सुनाते हैं, ये प्रूफ है। कितने सालों से 1.5 साल हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब टाइम आता है लगता है जल्दी से जुड़ना है, आज किसके सुनेंगे हम, और चाहे हमने दोबारा कितने का सुना हुआ है, पर हर एक सत्संग जो भी सुनते हैं वो चाह रहती है अपने गुरु जी के गुणगान सुनने की। सो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आपने अपने शरण में रखा और आपने हमें पकड़ के रखा है गुरु जी, क्योंकि हम तो सब नादान हैं, इधर उधर भटक जाते हैं कभी इधर उधर, ये लौकिक दुनिया की ये चकाचौंध यहाँ की सब कुछ, और पर कभी भी आपने हम सबको छोड़ा नहीं, हमारी बाहें पकड़े हुए हैं गुरु जी, और हमेशा अपने बच्चों की तरह सही रास्ता दिखा रहे हैं और सही मायने में कि हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ हमें बताने के लिए गुरु जी। खाली तलवार का रहन सहन करना और आसपास का वो करना वो सब भी तो बहुत जरूरी है, गुरु जी तो हमेशा कहते थे परिवार का की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए मेरे साथ जुड़ो, पर जो हमारी आत्मा की जो एक एक मैं कहूंगी एक जो नेसेसिटी है या जो एक खुराक है वो आपके जाप से सुबह यहाँ पर शुरू होती है, और सारे दिन आपका जूम पर सुनना ये करना, उसमें जो आत्मा की खुराक रही है और उसी से शक्ति मिलती है और उसी से शांति मिलती है।
जो ब्लेस कहते हैं उसी में है, क्योंकि और किसी चीज में भी नहीं है। सब चीजें इधर उधर भटकाती हैं, खाली गुरु जी का ही है जो होता है, उससे हम जुड़े रहते हैं और संतुलित रहते हैं। हमारा दिमाग शांत रहता है, सही सोच करने की हमें बुद्धि देते हैं गुरु जी। चैलेंजेस जो आते हैं उनके लिए भी गुरु जी हमें शांत रखते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो गुरु जी की कृपा से ही हम समझ सकते हैं कि हम किस तरह से इसको सुलझाएं। तो ये सबसे बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग है और उसके लिए मैं गुरु जी को बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ आप सबका कि आप सबसे हमने बहुत सीखा है, सारी नई संगत से, पुरानी संगत से, जो भी है, और इस प्लेटफॉर्म का, कि ये मौका देने हैं कि हम गुरु जी को इस तक कर सकें। बड़े मंदिर की मैनेजमेंट का, सारे अंकल लोगों का जो बिहाइंड द सीन जो भी करते हैं, रिकॉर्डिंग जो भी ये सब प्रोग्राम करते हैं, सबके लिए बहुत बहुत दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ। और गुरु जी का तो जैसे मैंने कई बार शेयर किया है, 98 में गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया, पर वो तो एक डेट थी। गुरु जी तो मैंने एक बार शेयर किया था कि अचानक एक दिन मैं गुरु जी से ध्यान में बैठी थी और गुरु जी को थैंक यू कह रही थी कि गुरु जी 98 में हम आपसे मिले, तो गुरु जी ने राइट अवे पूरा फ्लैशबैक कर दिया मेरे माइंड में। 86 में मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने ले जा रहे थे और बहुत ही ठंड थी और आइस जमी हुई थी और बहुत बुरा ट्रक से उधर से आ रहा था और स्लिप हो गई कार और ट्रक ने उसी दरवाजे पर टक्कर मारी जहां मेरी बेटी पीछे बैठी हुई थी। वो दरवाजा पूरा अंदर हो गया था और उसका गाल, वो विंडो ग्लास कट करके उसका गाल पूरा कट करके पूरा ओपन था और खून ही खून बह रहा था। और वो बेटी शॉक में चली गई, उस समय खाली 8 साल की थी और ना वो कुछ बोल पा रही थी ना मूव कर पा रही थी। इतना बुरा था कि एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स सब लोग आए, उनको काटना पड़ा डोर को उसको निकालने के लिए और कार एकदम टोटल हो गई थी। मेरे हस्बैंड को एक स्क्रैच नहीं आई थी और उसको एम्बुलेंस में ले गए और वो हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने कहा कि वो चल नहीं पा रही थी, उसको अपने पैरों में कुछ फीलिंग्स नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स ने कहा आई डोंट नो इफ शी कैन वॉक। मैं तो महादेव की पुजारिनी थी, शिव जी की और माता रानी की, मुझे बस अपनी पूजा पर, मैं बस खाली अपनी पूजा में ही लीन रहती थी और खाली मैं उन्हीं की प्रार्थना कर रही थी कि महादेव, शिव जी आप आइए, माता रानी आप आइए, मेरी बेटी को इतनी छोटी है, उसको ब्लेस करिए, उसको ब्लेस करिए, यही मेरी प्रार्थना थी। और 4-5 दिन बाद अचानक ही उसके पैरों में फीलिंग आई और वो चल पड़ी और जिसने भी वो कार देखी उसने कहा ये तो डिवाइन पावर ही है, कोई जिसने बचाया है आपके बच्ची को और आपके हस्बैंड को। और उस समय मैं बस यही धन्यवाद दे रही थी और मैं भूल गई उसके बाद, क्योंकि कई चीजें होती हैं हम बहुत ज्यादा उस पर ड्वेल नहीं करना चाहते हैं। जो हो गया बीत गया सो बीत गया, गुरु जी भी अक्सर कहते थे जो बीत गया सो बीत गया, आगे राख डालो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैं उसको कभी दोहराना भी नहीं चाहती हूँ। पर उस दिन गुरु जी को जब मैं प्रे कर रही थी, अभी लास्ट महीने की बात है, और ध्यान में बैठी थी तो गुरु जी से मैं ये कही थी, गुरु जी मैं 98 में इस तारीख में आपसे मिली और ये वो इस तरह से बातें कर रही थी और गुरु जी ने वो फ्लैशबैक मुझे दिखाया और कहा उस समय मैं ही आया था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय हम तो नहीं जानते थे गुरु जी को, हम तो महादेव को, शिव जी को हम प्रे करते थे, क्या पार्वती जगदम्बा माता को प्रे करते थे। गुरु जी का नहीं आया था, मैंने ही बचाया, साक्षात उन्होंने बोला ये, तब मुझे समझ में आया
तो उस दिन के बाद से मैं कभी नहीं कह सकती कि मैं गुरु जी से 98 में गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि स्वयं गुरु जी ने आके बताया है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, गुरु जी हमारे साथ जन्मों जन्मों से हैं। हर एक वो पल जहाँ गुरु जी से मिलने के पहले जो जो हमारी चीजें हुई है, जहां जहां हमें बचाव हुआ है, जहां जहां एक अंदरूनी शक्ति आई है, या जहां जहां अनजाने लोगों ने अकस्मात आके सामने आपकी रक्षा करी है, आपको हेल्प किया है, जिनको आप जानते भी नहीं थे, तो वो गुरु जी थे 100%, ये मान के चलिए। और अभी भी गुरु जी ही हैं जो अचानक किसी भी रूप में आ जाते हैं हमारे सामने और हमारी मदद करते हैं। तो वो उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी मुझे समझाने के लिए, मेरा ये क्लियर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट टाइम का कि हम तब मिले गुरु जी से। गुरु जी ने तो साक्षात दिखा दिया। तो गुरु जी को जैसे मैंने शुरू शुरू में गई अपनी बेटी के आस्था की वजह से, और मैं उस प्रॉब्लम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे गुरु जी मिले और उस प्रॉब्लम की वजह से महादेव के दर्शन हुए, नहीं तो हम यूं ही अपनी जिंदगी जीते रहते, कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि गुरु जी के बिना भी ये जिंदगी चल पाएगी। तो उसके लिए गुरु जी को धन्यवाद, उस प्रॉब्लम के लिए धन्यवाद। और जब गुरु जी के बारे में धीरे धीरे समझ में आया, पहले तो हम भी नादान थे, सोचते थे यूं कि गुरु जी के पास अपनी विश लिस्ट ले जाएंगे और गुरु जी से बातें करेंगे, और गुरु जी पहले बहुत डांट करते थे शिष्यों में, और अपनी विश लिस्ट बताएंगे और गुरु जी सब फुलफिल कर देंगे, और जैसे वी हैव रिसीव्ड अ जैकपॉट, शिष्यों में हम सबका यही ख्याल होता था। और उसके बाद धीरे धीरे इट्स अप टू गुरु जी हाउ वेन हु ही वांट्स टू टीच, ये हमारे पास की कोई बात नहीं है, हमारे किसी ने भी ये काबिलियत है। वो कहते हैं ना, नदर करे तो सिमरा आ जाए, ये हमारे पास में ही नहीं है कुछ भी, गुरु जी से ना जुड़ना, ना सिमरन करना, ना सेवा करना, ना उनके बारे में कुछ बताना, कुछ भी नहीं है हम लोगों के हाथ में। Everything Guru Ji controls. Only thing that He has given us freedom is to love Him. Guru Ji से प्यार करना, Guru Ji के लिए समय निकालना, Guru Ji के हुकुम में रहना, उनकी गरिमा में रहना, ये हमें Guru Ji ने चॉइस दी हुई है। क्योंकि Guru Ji भी देखते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गुरु जी के हुक्म में रहें, उनकी गरिमा में रहें। गुरु जी वॉज डिसिप्लिनेरियन, हमें ये सब को सीखना है। अगर हम किसी सत्संग में भी जाते हैं या बड़े मंदिर में, देखिए आप कितने डिसिप्लिन से होता है। आई एम सो हैप्पी, इतनी भीड़ आती है और कितने डिसिप्लिन से सारे सेवादार जुट करके, इतनी लंबी लाइन होती है, किस तरह से जल्दी जल्दी सारे लोग चलते रहते हैं और सबको दर्शन होता है, सबको लंगर मिलता है इन साइलेंस। ये क्या शक्ति है, ये गुरु जी सब कंट्रोल कर रहे हैं। फ्री चॉइस है मैनेजमेंट की, जो इतनी अच्छी तरह से कर रही है सारे जितने सेवादार हैं, पर गुरु जी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, वहां उनकी प्रेजेंस है। वो कहते थे मैंने पूरी शक्ति लगाई है बड़े मंदिर पे, मैं जब जब सुबह यहाँ सुबह होती है 6:30 बजे जाप जब आता है, और जब दर्शन करने के लिए मैं सुबह बैठ जाती हूँ कि कब दर्शन होगा, कब बजेंगे 6:30, एक अंदर से वो होती है, एक्साइटमेंट होता है, जबकि एवरी डे इतने डेढ़ साल हो गए हम लोग ये देख रहे हैं, पर एवरी डे इज अ न्यू फीलिंग। गुरु जी से मिलना है, गुरु जी को देखना है, गुरु जी बड़े मंदिर में, बड़े मंदिर की शक्तियां हैं। So, ये गुरु जी का प्यार है, जब तक गुरु जी का प्यार आपके अंतर मन में नहीं आएगा, आपको किसी चीज में रस नहीं आएगा। जब तक गुरु जी का प्यार अंदर नहीं जागेगा, हमें ना सिमरन में रस आएगा, ना शब्द में आएगा, ना सत्संग सुनने में। हम यू ही कहेंगे अरे ये तो रोज होता है, अरे ये तो सुन चुके हैं, अरे ये तो ये है। गुरु जी हमें एम्पायर स्टेट में बैठा के एक ही सत्संग 10 बार सुनाते थे,
एक बार मैंने भी एक गलती करी थी, मैं अपनी एक्सपीरियंस सुनाती हूँ क्योंकि मैं भी नादान थी। गुरु जी की बहुत बहुत मैं थैंक्स कहती हूँ कि गुरु जी ने हमें गाइड किया। हम भी नहीं समझते थे शुरू में, एवरीथिंग वाज न्यू। तो गुरु जी ने एक बार किसी अंक से कहा सत्संग सुना और वो सुनाने लगे, और फिर नेक्स्ट डे फिर गुरु जी ने कहा, थर्ड डे फिर गुरु जी ने कहा सेम सत्संग। And I looked at Guruji and I said, Guruji, मैंने सुना हुआ है। And Guruji looked very sternly at me and said, ये तेरी दवाई है, ये blessing है। कभी ना कही कि सुना हुआ है। इतने कष्ट के Guruji ने समझाया। That's the day I understood कि Guruji ने स्वयं कहा है ये तेरी दवाई है। तो कभी भी नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये सुना हुआ है या बहुत हो गया ये वो। Every day जो हमारी एक खुराक होती है, हम रोज एवरी डे हम उठते हैं, हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, सब कुछ, वो हमारे शरीर की खुराक है, ये हमारी आत्मा की खुराक है। ये मेडिसिन ऐसी है जो आपकी आत्मा को शांति और हैप्पीनेस, जॉय जो कोई नहीं दे सकता है, वो इसी से मिलती है। कि मेरा एक्सपीरियंस और आप सबका भी ये एक्सपीरियंस होगा, तभी आप सब जुड़ते हैं और सुनते हैं। तो ये गुरु जी ने हम सबको सिखाया हुआ है। तो जब गुरु जी के पास गए 98 में, और जब मुझे लगा कि गुरु जी तो सब कुछ ठीक कर देते हैं, यही मेरा ख्याल था। मेरे हस्बैंड एमपी जी का भी यही ख्याल था कि गुरु जी तो सब बीमारियां ठीक कर देते हैं, यही सोचा था हम सब ने। मेरी बेटी का एस्मा ठीक कर दिया, मेरे हस्बैंड का एसिडिटी ठीक कर दी, मेरे बेटे का पैर ठीक कर दिया, मेरी उसका मेरी दूसरी बेटी का भी जो उसको पैलेट में प्रॉब्लम थी, वो जो ओपनिंग थी उसको यूं ही फिल कर दिया विदाउट सर्जरी गुरु जी ने। और कितनी कितनी चीजें उन्होंने करी हैं जो कोई नहीं कर सकता है, लाइफ दी गुरु जी ने। तो हम लोग यही सोचते थे, जब लाइफ की बात आई उस समय हमें लगा कि दिस इज नॉट व्हाट गुरु जी इज। एंड द डे गुरु जी टोल्ड मी कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। गुरु जी पहले बहुत बात करते थे, और एक दिन उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, आज से तू मेरे से कुछ नहीं मांगेगी और कुछ नहीं बात करेगी, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। उस दिन मैं रोने लगी, मैंने सोचा मैंने कोई गलती कर दी, गुरु जी मेरे से गुस्सा हो गए हैं। एंड आई सेड, गुरु जी मैं कैसे आपसे बात करूंगी, आप ही हैं मेरे लिए सब कुछ, अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, किसी को नहीं बताती हूँ। तो गुरु जी ने कहा, नहीं आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। ही एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज टेलीपैथी, जो मैं कई लोग मेरे से कई बार पूछते हैं आंटी टेलीपैथी क्या है। अब तक तो सब संगत को पता चल गया होगा, हम कितनी संगत सबने डिस्कस किया इसके बारे में, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो गुरु जी ने जो मुझे बताया वही मैं बताना चाह रही हूँ। जब मैंने कहा गुरु जी कैसे टेलीपैथी में बात करेंगे, आप तो यहाँ एम्पायर स्टेट में, मैं तो सिंगापुर में रहती हूँ, कैसे मैं आपसे बात करूंगी। गुरु जी ने कहा, जब तू ध्यान में बैठती है ना, उस समय मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा, जितने भी तेरे क्वेश्चंस हैं। तो कितना साफ गुरु जी ने कहा है, अगर हम गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन पाना चाहते हैं, उनको फील करना चाहते हैं, उनकी अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, या उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु जी ने बस एक ही रिक्वायरमेंट उस समय बताया है कि सिमरन में बैठना। जब तक हम सिमरन में नहीं बैठेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, ना ये अपने फोन को हटाएंगे, कंप्यूटर को हटाएंगे, शोर जो दिमाग में चल रहा है, ये नॉइज हमेशा चैटर चलती रहती है दिमाग में, अब खुद से ही हम अपने आप दिमाग से बात करते रहते हैं। जब वो सब शांत नहीं होगा, जब आप अपने को खाली नहीं करेंगे, तो गुरु जी कैसे वो भरेंगे। तो गुरु जी ने मुझे जो बताया है वही मैं शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी ने कहा था कि जब तू सिमरन में बैठेगी उस समय मैं तेरे आंसर दूंगा। और गुरु जी ने कहा तो हो गया ना, ना मुझे सिमरन आता है, ना मुझे कुछ आता है, मैं तो खाली पूजा पाठ में लगी रहती थी, हाथ जुड़ती थी तब कुछ पल के लिए, और जुड़ती थी बस मांगने के लिए। पूजा में तो हम मांगते हैं ना ईश्वर से, या धन्यवाद करते हैं जब पूरी हो जाती है हमारी चीजें जो हम मांगते हैं,
बच्चे का ये, बच्चे का वो, हस्बैंड का ये, घर का ये, अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा, पर अपने परिवार के लिए हम सब मांगते हैं। वो पूरी होती थी तो चलो कथा कर लेते हैं, चलो पूजा कर लेते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा वो जीवन चल रहा था। पर जीवन में जब गुरु जी आए तो उन्होंने कहा सिमरन में बैठो, तो उन्होंने सिखाया कि हमारी आत्मा को जब परमात्मा से मिलना होता है तो सिमरन इज द ओनली वे, देयर इज नो वे आउट। आप जितना भी सत्संग कर लो, जितना भी आप लंगर खा लो, चाय प्रसाद, वो भी बहुत जरूरी है, ब्लेसिंग है, पर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर आवर ओन डेवलपमेंट, हमारी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और जो वो डिवाइन से एनर्जी जो मिलती है वो उसी समय मिलती है, क्योंकि गुरु जी स्वयं आते हैं। एक बार मैं बहुत फनी आपको सुनाती हूँ, जो गुरु जी चोले में नहीं थे, हम यहीं से आती में गुरु जी ने भेज दिया था, और शुरू शुरू की बात है जब यहाँ सत्संग गुरु जी ने शुरू किया था 2007 में, तो शुरू शुरू में थोड़ा ओवरवेलमिंग था, आपको मालूम है यहाँ पे तो कोई नौकर चाकर नहीं होती, सारी सुविधा, सफाई, सब सामान लाना, काटना, पीटना, बर्तन भी धोना, लंगर भी बनाना, सफाई करना, सब कुछ अपने से होता है, फूलों की सजावट भी अपने से करनी, मतलब कोई हेल्प नहीं, फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग यू हैव टू डू। तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा था मेरे लिए थर्सडे को, मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी और नहाने के बाद मैं सफाई करती थी, लोग कहते थे सफाई कर लो फिर नहाओ, तो मैंने कहा नहीं गुरु जी के उधर सफाई करने के लिए भी मुझे अपनी सफाई पहले करनी। तो सुबह सुबह से ये कार्यक्रम चलता था और शाम तक मैं इधर उधर दौड़ती रहती थी, करना वो करना, ऐसे ही गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं कुछ लगा रही थी और फिर इधर उधर कर रही थी, इधर कुछ ला रही थी, उधर रख रही थी, अकेली थी मैं उस समय, दोपहर का टाइम था। अचानक मुझे जैसे गुरु जी ये, अब ये नहीं पूछे कि कैसे गुरु जी बात करते हैं, वो दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आपको अपने आप एक्सपीरियंस होता है। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी मेरे से कह रहे हैं, इतने उतने पंजाबी में गुरु जी बोलते हैं, मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, आई ट्राई, इतने उतने ढूंढती रहती है, इतने आके बैठ, एंड दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग, एंड आई लेफ्ट एवरीथिंग, और मैं बैठ गई गुरु जी के सामने एकदम शांत होकर, 10 मिनट तक मैं चुपचाप बैठी रही। तो व्हाट इट मींस, गुरु जी बस टेलिंग मी कि इधर उधर करने के बजाय मेरे साथ बैठो, गुरु जी को कुछ भी विडंबना नहीं चाहिए, गुरु जी कोई ऐसा डेकोरेशन नहीं चाहिए, गुरु जी को कुछ भी इधर उधर नहीं चाहिए, गुरु जी तो बहुत सिंपल थे, बस स्वरूप रख दो, एक दिया रख दो, बस गुरु जी के साथ जुड़ो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग आउटर स्टफ दैट वी डू फॉर गुरु जी, दैट हैज नो मीनिंग एक्चुअली, वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं ठीक है, पर गुरु जी तो मेन रिक्वायरमेंट है कि हम गुरु जी से जुड़े, और गुरु जी के साथ जब बैठते हैं ना, मुझे लगता है गुरु जी आपको डायरेक्टली ब्लेस करते हैं, अनलेस वी सिट इन साइलेंस विदाउट एनी मूवमेंट, तब ये गुरु जी ब्लेस करते हैं। तो गुरु जी ने खुद बोला उस समय, जिस तरह से मेरा ये एक्सपीरियंस था, आई अंडरस्टूड एट दैट टाइम कि बहुत भागदौड़ करने से कुछ नहीं होता है, सब शरीर थक जाता है, आप सिंपल करके चुपचाप गुरु जी के साथ बैठो और वो आपको एनर्जी आपको देते हैं आपकी बॉडी में। अगर आपको एनर्जी लेनी है, कभी भी आपको लगे आपकी एनर्जी एकदम डिप्लीट हो गई है या आप एकदम थक गए हैं, उस समय बस आप गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठिए, आप देखिएगा आपको एकदम फ्रेश कर देते हैं गुरु जी। पर एक रिक्वायरमेंट है, दिमाग खाली रखिए अपना, दूर दुविधा में नहीं रखिए, या थॉट नहीं लाइए, या वो परेशानियों से नहीं बैठिए, एकदम जैसे बच्चों की तरह बैठ जाइए आप कि बस परम पिता के सामने बैठे हैं, बस अब वो जाने जो करना है, हम बस बैठे हैं बस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंसेस तो बहुत है जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, पर मुझे लगता है जिससे संगत कुछ प्राप्त कर सके या कुछ उनको भी उसकी प्राप्ति हो, जो जो मैं मेरे साथ हुआ है, तो वो सफल है।
और कई लोग मुझे पूछ चुके हैं कि किस तरह से गुरु जी से जुड़ना चाहिए, किस तरह से उनकी ब्लेसिंग पानी है। तो ये दो तरीके बहुत जरूरी है, आपको सिमरन बैठना होगा, आपको उनके साथ बैठना होगा, उनके सामने बैठना होगा, और आपको ध्यान में बैठना होगा सब कुछ छोड़ करके। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। और फिर जब गुरु जी आपको अपने आप ही जब भर देते हैं ना, तो आप देखिएगा आपको अंदरूनी जो शांति और जो खुशी होती है ना, वो सब आपको आपकी लाइफ में वो दिखेगी, क्योंकि आप यू ओनली एपिटोम ऑफ लव, ऑफ डिवाइन लव गुरु जी का। गुरु जी को अगर एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो, गुरु जी वॉज ऑल अबाउट लव। गुरु जी ने इतना प्यार दिया संगत को, इतना प्यार दिया गुरु जी, जो किसी ने कभी नहीं महसूस किया होगा कहीं भी। और गुरु जी यही चाहते थे कि संगत भी एक दूसरे से प्यार करे, डिवाइन लव, नॉट गेट कनेक्टेड ऑन नॉनसेंस वे। गुरु जी तो चाहते थे सब एक दूसरे के साथ एक भाई बहन की तरह, तभी अंकल आंटी कहते थे गुरु जी को, हम सब गुरु भाई गुरु बहन है। और जब हम एक दूसरे से वो एनर्जी डिवाइन एनर्जी लेके चलते हैं, तब सोचिए कि किस तरह से ये पूरी वर्ल्ड चेंज हो रही है, हर जगह संगत हो रही है, हर एक कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में संगत हो रही है, और कितने ब्यूटीफुली लोग कर रहे हैं जो जानते भी नहीं है गुरु जी को, कभी देखा भी नहीं है गुरु जी को, या कभी बड़े मंदिर भी नहीं गए हैं। कितनी वर्ल्ड में, ऑल ओवर यूएस में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे यूरोप में, कनाडा में, कहां कहां लोग जुड़े हुए हैं। ये गुरु जी की भक्ति है, ये गुरु जी की शक्ति है। गुरु जी तो बॉडी में नहीं है, उनके जाने के बाद ये सब हो रहा है। तो ये दिखाता है कि गुरु जी की वो जो डिवाइन एनर्जी और डिवाइन लाइट है ना, वो सब तरफ जा रही है। और वो डिवाइन लाइट का मैं सत्संग जो प्रूफ है, जो मैं बता रही हूँ, जो यहाँ पे सियाचिन में गुरु जी का एक स्वरूप है, जो चाइनीज आउटफिट में है, जो मैंने अपने हॉलवे में लगाया हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है, और वो भी मुझे ये सारे स्वरूप कहीं से मिले ही हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आए, पर उसको फ्रेम करके मेरे हस्बैंड में लगाया था। और जब गुरु जी चले गए 2007 में, तो उसी स्वरूप के आगे मैं आरती कर रही थी और मैं रो रही थी कि गुरु जी इट्स नॉट फेयर। शुरू में मैं बहुत गुरु जी को कंप्लेन करती थी, इट्स नॉट फेयर गुरु जी, हम लोग को सियाटल भेज के आप क्यों चले गए, कहाँ चले गए और क्यों चले गए गुरु जी, इतनी जल्दी क्यों चले गए, मैं यही क्वेश्चन करती थी गुरु जी को। एंड जैसे मैं आरती कर रही थी, तो उनके सर से ऐसे अमृत निकल करके वो अमृत शेषनाग बन गया। कभी भी पानी साइंटिफिकली पानी नीचे गिरता है, कभी पानी ऊपर नहीं जाता है। गुरु जी ने वो भी दिखा दिया कि वो अमृत ऊपर होकर के ऐसे शेषनाग बन गया उनके सर के ऊपर, और उनका पूरा फेस शिवलिंग तो है ही, उनका पूरा सर ऊपर से दोनों तरफ से जैसे शिवलिंग पर वो जल चढ़ रहा है, अमृत आ रहा है, और पूरा ऐसे ऐसे टपक रहा था। और मैं घबरा गई, मैं चिल्लाने लगी, मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड नीचे थे, मैंने उनको बुलाया और पूरी खुशबू भर गई, जैसे गुरु जी की डिवाइन खुशबू होती है। एंड उस समय मुझे याद आया गुरु जी ने एम्पायर स्टेट में एक बार मेरे से कहा था, जा तू मेरे स्वरूप देख लिया, और जिस स्वरूप के आगे मैं जाती थी उसमें से अमृत आता था। मैं समझी नहीं, मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये क्या है, तो कहते हैं ये अमृत है। तो उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया मुझे अमृत क्या होता है। तो जो जो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ, वो सारी चीजें गुरु जी ने मुझे पहले ही दिखाया है अपने, जब वो थे बॉडी फॉर्म में। सो एवरीथिंग इज द सेम। तब मैं समझी कि ये अमृत है, और उसी स्वरूप से एवरी डे उसके बगल में एक शिवलिंग रखी हुई है, जो गुरु जी के थ्रू हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी, जो हम इंडिया में थे, दिल्ली में थे, और गुरु जी ने कुछ संगत को भेजा हुआ था, और वो मैं तो कहती हूँ वो तो गुरु जी की ही गिफ्ट है, क्योंकि जब गुरु जी संगत को भेजते हैं तो गुरु जी ही उनके मन में डालते हैं क्या लेके जाना है। इट्स अ ब्यूटिफुल शिवलिंग जो हमेशा मेरे पास है, वो मैंने गुरु जी के स्वरूप के बगल में रखा हुआ है, एंड उनके लेफ्ट आई लेफ्ट साइड में है, तो उनकी आई से वो जो है
पूरी एक डिवाइन लाइट जो होती है वो आंख से शिवलिंग की तरफ जाती है एवरी नाइट, ये नहीं कि कभी कभार। शुरू से मैं घबरा जाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, मैं रात भर बैठी रहती थी क्योंकि मेरे कमरे बेडरूम के बाहर ही है हॉल पे, और जब मैं दरवाजा बंद करके जब मैं सोती थी इतनी लाइट रहती थी हॉलवे में, मुझे लगता था मैंने कोई लाइट जला के छोड़ दी है। मैं झट से उठ के जाती थी कि मैं लाइट बंद कर दूं, वो लाइट इतनी तेज हो जाती थी रात में कि पूरा हॉलवे जगमगाता था, अभी भी होता है। मैंने कई बार शेयर किया है बिकॉज दिस इज लाइक ए डिवाइन फिनोमेना। मैं सुना ये खाली गुरु जी का, जो ये डिवाइन चीजें होती हैं, ये साइंस से ऊपर होती हैं, उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सोच के चलिए ये डिवाइन लाइट गुरु जी की अभी भी है, अभी कितने लोगों ने शेयर किया है, किस तरह से गुरु जी के स्वरूप से इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो यही कहते हुए कुछ मैं थोड़े से अपने सत्संग शेयर करूंगी, वो भी बहुत जरूरी है। गुरु जी की तो अपरंपार उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और जैसे मैंने कहा मेरे हस्बैंड को उन्होंने दो बार लाइफ दी, और सबसे पहले तो जब से मेरी शादी हुई मैं देखती थी मेरे हस्बैंड कुछ तीखी चीजें मिर्ची वर्ची नहीं खा पाते थे, और मुझे मिर्ची बहुत पसंद थी, मिर्च मसाला, और ये कहते थे नहीं एकदम सिंपल फूड बनाया करो, तो मैं एकदम सिंपल फूड बनाती थी, पर वो हमेशा उनको प्रॉब्लम रहती थी, एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, अपनी दवाइयां खाते रहते थे, पर हमने कभी नहीं कहा गुरुजी को कुछ भी। तो गुरुजी ने अचानक मुझे बुलाया और कहने लगे कि एमपी अंकल कैसे हैं, क्या हाल है। तो मैंने उनको कहा गुरुजी ये बस एसिडिटी बड़ी रहती है। तो कहते अच्छा, मैंने बताया नहीं, मैं चुप हो गई। तो गुरुजी कहते तो ना लोटा लेके आई, मैं प्रेस कर देता। तो जैसे था गुरुजी के लिए लोटा लेके गए, गुरुजी ने हाथ में लिया, और गुरुजी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछते थे और उसके अंदर देखते थे, और कुछ पल के लिए गुरुजी एकदम जैसे समाधि में चले जाते थे और पूरी शक्ति अपनी लगाते थे उसमें, और फिर उसके बाद देते थे, और उसमें आपको रात में जल भरना होता था, आधे से आपको पीना होता था सुबह उठ करके खाली पेट, और वो जो आधा बचता था वो उससे नहाना होता था। तो ऐसे ही करने लगे एमपी अंकल, एंड यू वोंट बिलीव, जिस दिन से उन्होंने पिया है उनकी एसिडिटी जो पता नहीं कितने सालों की थी वो यूं ही चली गई। ये कैसे हो सकता है, हमने तो ब्रिज में अपने आप से बुला के ब्रश किया ना, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा गुरु जी को। सो इतनी पावर है गुरु जी की, इतनी पावर है। और जैसे मेरे हस्बैंड को लाइफ दिया उन्होंने, उनका लंग कोलैप्स हो गया था, 90% लंग कोलैप्स होना, आप सोच सकते हैं किस तरह से सेप्टोसीमिया, ऑल ऑर्गन्स हैव फेल्ड, एवरीथिंग हैव फेल्ड। तो एक बार मैं यू ही बैठी हुई थी और मेरे मन में आ रहा था कि जैसे मेरे बेटी को गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया, हस्बैंड को उन्होंने दो बार लोटा ब्लेस किया, तो मैं यू ही गुरुजी को देखती रहती थी और सोचती थी गुरुजी आपने मुझे क्यों ब्लेस किया, कभी लोटा नहीं दिया या कुछ ऐसे। एक दिन मैं सोच रही थी तो गुरुजी से कभी कुछ मांग नहीं सकते ना, क्योंकि मांगी हुई चीज वापस ले लेते हैं गुरुजी, कभी नहीं मांगना चाहिए। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मांगा नहीं करो, we have to give it, Guruji can take it back anytime. So ये आप सोच के चलिए, मांगी हुई चीज आपको वापस करनी पड़ती है। So मैंने कभी नहीं मांगा जब गुरु जी ने जिस दिन से बताया कि मेरे से कुछ नहीं मांगो, मुझे सब कुछ मालूम है, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं दूंगा। That is the day. After that, I, बच्चों की चाहे जो प्रॉब्लम हो, हर देखिए परिवार में, परिवार बड़ा हो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बट आई हैव नेवर आस्क्ड एनीथिंग, क्योंकि हमारे गुरुजी का हुक्म है, अगर गुरुजी को मानो तो उनके हुक्म में रहो, ये नहीं अपनी श्रद्धा में रहो। नो, गुरुजी से बस शक्ति मांगते हैं, गुरुजी शक्ति दीजिए और सद्बुद्धि दीजिए, हमें क्या करना है इस समय, ये हमें इस समय बताइए, गाइड करिए बस, दैट्स ऑल। एंड ही डज, ही कम्स एंड गाइड्स, वो रास्ते बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं मन ही मन वहां बैठ करके सोच रही थी, कोई बात नहीं। तो मैं अपने आप से ही, मैं इंडिया में थी, दिल्ली में हूँ, वहां से
मैं लेके आ गई तांबे का की ग्लास का सेट और तांबे का एक बड़ा सा जग था, मैं लेके आई और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ऐसे रख दूंगी और वो उस ग्लास को भर करके और फिर मैं रोज पी लूंगी। तो मैं यू ही करने लगी, एवरी डे आई यूज्ड टू डू दैट, अभी भी मेरे पास है वो। एंड एक दिन सियाटल में रात में जब मैं भर रही थी उसमें जल ग्लास में, तो मैं मन ही मन अपने मन से बातें कर रही थी और सोच रही थी मैं भी कितनी नादान हूँ, मैं यूं ही अपने आप ही से गुरु जी से उसके सामने रखती हूँ, पर पता नहीं गुरु जी कभी इसको ब्लेस करते हैं कि नहीं, या गुरु जी को भी रात में प्यास लगती होगी बहुत। आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड, तो कोई नहीं, ये ग्लास में गुरु जी के लिए रखती हूँ। एवरी नाइट आई पुट बिसाइड माय बेड इन फ्रंट ऑफ गुरु जी स्वरूप की गुरु जी को जब भी प्यास लगेगी गुरु जी आप पी लिया करो पानी, तो ऐसे मैं रखती हूँ। एंड एक दिन मैं पूरा भरा हुआ ग्लास, और छलके ना क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी होता है अपने आप से साफ करना पड़ता है, तो मैं थक गई थी, रात के 11 बजे थे, तो मैंने कहा कि ये पानी गिरे ना, तो मैं नीचे से होल्ड कर रही थी, इतना भरा हुआ था, ला के मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने रखा। एंड आई सेड गुड नाइट गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी गुरु जी ने मेरा आंसर दे दिया। जब मैं उठी जैसे मैंने ग्लास को हाथ लगाया, दैट ग्लास वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी, बस थोड़ा सा जल उसमें रह गया था। एंड वो ग्लास कोई नहीं छूता है, खाली मेरे हस्बैंड ने, उनका तो अलग से वो तांबे का लोटा है, वो तो कभी भी अपने लोटे में कहीं पानी पीते हैं। किसने पिया? ये मेरा थॉट था कि गुरु जी को प्यास लगती है, आई डोंट नो गुरु जी कभी पीते हैं कि नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल। ये जो चीजें है ना, दिस इज बियॉन्ड लॉजिक, दिस इज ओनली डिविनिटी, ओनली डिविनिटी। जब आप आंख मूंद कर उन पर विश्वास करो और उनको मानो, वो आते हैं और आपका हर एक आंसर देते हैं। दैट मॉर्निंग आई वाज रियली क्राइंग, आई सेड गुरु जी मैं तो सोचती थी कि पता नहीं आप पीते हो कि नहीं, आप रोज मैं रखती हूँ आपको प्यास लगती होगी। And he just proved that day. ऐसे ही मैं सुबह जैसे हर घर में होता है रात में बादाम भिगोते हैं और उछील के हम अपने परिवार वालों को कुछ दे देते हैं, तो ऐसे ही मैं जब सुबह सुबह जब छीलती हूँ तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि गुरु जी से हरफा फैमिली, सबसे पहले जो भी करना है उनको ऑफर करना है, तो मैं 7 बादाम छील करके गुरु जी के सामने रख देती हूँ और वो रहता है। और एक दिन मैं छीन रही थी, मैंने गिने पूरे 7 बादाम और मैंने कहा गुरु जी ये आपके लिए, आप प्लीज खा लिया करो, आपकी भी सेहत होनी चाहिए, गुरु जी यू आर जस्ट हेड ऑफ फैमिली। तो ऐसे कह के मैंने ऐसे रख दिया और मैं अपने काम करने लगी। उसके बाद दोपहर में मैं उस एरिया को थोड़ा फिर से जब कुछ ऑफर करना होता है साफ करके, तो फिर जब मैं वो उठाने गई, आई कुडंट बिलीव इट, खाली 5 बादाम थे, कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं छूते, वो कहते हैं तुम ऑफर करती हो तुम ही हटाए करो। इट वॉज ओनली 5। सो ये क्या है, ये गुरु जी आंसर करते हैं एवरी लिटिल थिंग। ये मान के चलिए गुरु जी इज देयर, दिस एनर्जी इज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। ये हम सब के लिए ये लेसन है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा लेसन था। हर कोई सोचता है कि अरे हम ऑफर करते हैं पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो एक है ना एक भजन है, हम प्यार से खिलाते हैं, यू नो ऐसे खिलाओ जैसे कृष्ण जी को खिलाते हैं। तो ये यही है ना, ये प्यार ही है। हम गुरु जी से जब बेइंतहा प्यार करते हैं तो वो आते हैं, हमेशा आते हैं, और वो अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं और हमें एनर्जी से भर देते हैं, और हमें वो विश्वास से भर देते हैं, वो खुशी से भर देते हैं कि हमें और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक अनुभूति है कि वो हैं, वो सुन रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हमारे दिन ऊपर हो चाहे नीचे हो, मान हो अपमान हो, कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, बस गुरु जी हमें गाइड करते रहे, सही रास्ते ले जाए। और अगर गलत रास्ता हो तो गुरु जी कहते हैं गुरु जी कोई विघ्न डाल दीजिएगा, अगर ये सही नहीं है तो हम समझ जाएंगे। अब हमें किसी चीज का रोष नहीं होता, किसी चीज का दुख नहीं होता है, हमें लगता है कि ये गुरु जी की मर्जी यही रही होगी,
पहले हमेशा अगर कुछ करने का मन होता था, अगर वो नहीं होता था तो हमेशा हमें मन में दुख होता था, अब वो नहीं है, अब ये लगता है ये गुरु जी की मर्जी है। तो ये प्यार जो है ये गुरु जी से बेनतहा संगत का जो है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी इज ऑलवेज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर लाइव्स ऑल द टाइम। किस तरह से मेरी बेटी की सबसे छोटी वाली जो बेटी है, मेरी तीन बेटियां हैं, तो सबसे छोटी वाली बेटी है वो उस समय जब गुरु जी से जुड़ी है 98 में, शी वॉज वेरी यंग, 11-12 साल की रही होगी, और बच्चे यहीं पैदा हुए सब कुछ, और गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि सारे बच्चे गुरु जी से जुड़ गए। और वो छोटी सी बच्ची इंडिया में गर्मी में 3 महीने वहां रहती थी और कहती थी कब गुरु जी के यहाँ चलना है, देर हो रही है, 3 बजे शोर मचाती थी, तैयार हो माँ तैयार हो, बहुत देर हो जाएगी, जल्दी करो जल्दी करो। और फिर कहती थी मैं खाली सूट पहन के जाऊंगी और बिंदी और काजल और चूड़ियां ऐसे तैयार होकर जाती थी, और गुरु जी उसको देख के बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। एक दिन उसको बुलाया, कहते हैं आ मेरे मोड़े दबा, तो उसको मुझे भी नहीं मालूम था मोड़े क्या होता है, सही पता वो मेरी तरफ देखे और मैं भी थोड़ी पजल थी, मुझे नहीं समझ में आया, तो गुरु जी समझ के कहते हैं आ जा मेरे ये शोल्डर दबा, तो वो शोल्डर दबा रही थी, मुझे नहीं मालूम गुरु जी उसका क्या काट रहे थे, गुरु जी को क्या जरूरत है, कुछ नहीं, गुरु जी तो हमारी प्रॉब्लम्स काटते हैं, हमारे कर्म काटते हैं, ये गुरु जी का बहुत शुक्राना है, हमें ये मौका देते हैं गुरु जी, उनको थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम थी। और वो दबा रही थी, गुरु जी कहते हैं और जोर लगा, उसके पसीने निकल रहे थे, आई न्यू दैट गुरु जी इज क्यूरिंग समथिंग 100%, उसके कर्म काट रहे थे, उसको ब्लेस कर रहे थे। और किस तरह से उसकी शादी हुई, शादी से पहले वो कहीं जा रही थी फ्रीवे में यूएस में ही अपनी सिस्टर्स को मिलने के लिए, और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा, बहुत बुरा एक्सीडेंट, मैं ये कहूंगी कि एक्सीडेंट होते होते बचा फ्रीवे में, उसकी गाड़ी एकदम डिवाइडर पर जाके लगने वाली थी, और गुरुजी ने उसको टर्न अराउंड कर दिया और उधर से बड़ी सी ट्रक भेजा जो पूरा उसने फ्रीवे बंद कर दिया, कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी, और किसी ने आके उसको हेल्प किया, उसकी गाड़ी सीधी करके उसको ड्राइव करके एग्जिट में बाहर ले जाके हेल्प किया। ये कौन कर सकता है, ये गुरु जी कर सकते हैं। उसने कहा कि गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था कार में, और जब वो डिवाइडर में जा रही थी कुछ भी नहीं काम कर रहा था, ना ब्रेक ना कुछ, कहती है कि मैंने बस गुरु जी से कहा गुरु जी प्लीज हेल्प मी, एंड गुरु जी केम मॉम एंड शी वॉज क्राइंग दैट शी कॉल्ड मी। तो गुरु जी तो हमेशा हर के साथ है, हर के साथ है गुरु जी, जब जब आप उनको आवाज दोगे वो गुरु जी हमेशा आपकी मदद करेंगे ऑल द टाइम। कितने कितने संगत है, किस तरह से ऐसे टाइम में अचानक ही, तो जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा कभी सोचती थी गुरु जी ने तो मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं दी, तो वो नादानी थी मेरी, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैं ये थायराइड की दवाई खाती बहुत सालों से खाती हूँ, तो इस पर आप देखिए कि मतलब मैंने तो कभी नहीं बताया गुरुजी को, क्योंकि बताने की बात ही नहीं है, ये दिस इज माइनर थिंग्स, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, एंड गुरुजी न्यू एवरीथिंग। तो मैंने जो शीशी हमेशा गुरुजी के स्वरूप के सामने रहती है और पानी रखती हूँ, तो सुबह उठ के वो खा लेती हूँ हमेशा। एक दिन मुझे एक नई संगत का फोन आया, जो संगत में यहाँ आती थी जिनको मैं जानती भी नहीं थी, यंग गर्ल, तो उनका फोन आया, वो कहती है आंटी मुझे आज गुरु जी का ऐसे ड्रीम आया और वो आपके बारे में कुछ कह रहे थे कि आप कोई दवाई खाती है, सो आई वाज क्वाइट, सो हमने कहा हाँ बताओ बेटा, कहते हैं वो गुरु जी कह रहे हैं कि आप जो दवाई खाती है रोज तो वो आपको अब जरूरत नहीं है, गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, ये कहा गुरु जी ने। So, I was taken aback, इसको कैसे मालूम, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, एंड माई डॉक्टर इज अ डॉक्टर, तो मैंने उससे कहा कि मैं अब ये बंद कर दूंगी, अब नहीं खाऊंगी क्योंकि गुरु जी ने ये मैसेज दिया है। कहती मैम एक बार टेस्ट करा लो। जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरी खुद की जो डॉक्टर थी उसने कहा कि अरे आपको तो ऑलमोस्ट उसमें है, आपको इतनी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कौन कर सकता है।
गुरु जी इज वॉचिंग दाई, ही नोज। मैंने कभी गुरु जी से कुछ नहीं कहा, वो स्वयं सब कुछ ठीक करते हैं। ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीप्रेजेंट, इस समय भी और इस समय भी, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। गुरु जी इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। मैं गुरु जी को यही शब्दों में कितना धन्यवाद करूं। आज मेरा बर्थडे है, आई एम मिसिंग माई मॉम, शी इज नो मोर। गुरु जी स्वयं आए थे 15 फरवरी को और उनके चरण किस तरह से बने हुए थे हॉस्पिटल में, उनको मैंने बस यही प्रे किया था कि गुरु जी सफरिंग ना हो मम्मी को, शी इज इन योर हैंड्स गुरु जी, और वो स्वयं आके लेके गए हैं। तो मैं तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो गुरु जी को उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं आज अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ, और कभी मौका मिलेगा तो और बहुत बहुत सत्संग है गुरु जी के, जो मेरी पूरी लाइफ गुरु जी ने जो चेंज कर दी है ना, व्हाट आई वाज, व्हाट आई एम, व्हाट आई विल बी, इट्स ऑल डिटरमिन्ड बाय गुरु जी। जो जो जैसे थॉट वो डालते हैं, जैसे गुरु जी इज इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, माई मूवमेंट, मेरा रिमोट कंट्रोल गुरु जी के हाथ में है। ओनली थिंग आई हैव इज माई डिसिप्लिन दैट आई हैव टू सिट विद गुरु जी एंड गुरु जी का हुक्म और गुरु जी की गरिमा और गुरु जी को उस तक करना, ये सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ी है गुरु जी ने कि हम कितना समय दे सकते हैं गुरु जी को। बाकी क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब गुरु जी कराएंगे, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। एवरीथिंग, ईच मोमेंट। कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल। और गुरु जी हंस के कहते हैं अमेजिंग, वही करते हैं पर कभी क्रेडिट नहीं लेते गुरु जी, इतने हम्बल। ये भी हमें सीख लेनी चाहिए, गुरु जी हम्बल, हमारे गुरु जी, हमारी संगत भी हम्बल होनी चाहिए, हमारी संगत भी बिल्कुल गुरु जी के जो गुण है ना, एक गुण भी हम ले लेना कि ना निंदा चुगली करें ना गलत बोलें और हम्बल रहें और गुरु जी से प्यार करें, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जय गुरु जी, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच एन ऑस्पिशियस डे फॉर माय ऑन माय बर्थडे। मेरा आज बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका गुरु जी के साथ, आप सब के साथ। दिस इज द बेस्ट बर्थडे फॉर मी, जब सुबह सुबह इस वाणी से मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर सकूं आप सब संगत के साथ, इससे अच्छा क्या मौका मिल सकता है, इससे अच्छा क्या बर्थडे हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू गुरुजी फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। जय गुरुजी, थैंक अंकल, जय गुरुजी।